व्हाट्सअप गाइस, पार्क का सूरज दी एक और वीडियो के साथ। मतलब एक और नहीं, मतलब वही वीडियो जिसका नाम बैक हैंड स्पिनिंग है, क्योंकि मेरा वीडियो पर स्ट्राइक आया था, इसलिए मेरा वीडियो हो गया डिलीट। अभी मजा आएगा ना वीडियो पेलिची नागिन। अच्छे टाइम में अपने भी बनते सके, तुम्हारा भी टाइम आएगा क्रिकेट लाइन में लगे। तो जैसे कि मैंने बोला था कि वीडियो कोई भी फ्लिप करने से पहले आपको वार्म अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी जब तक हीट नहीं होगा तब तक कोई अच्छा फ्लिप कर नहीं पाएगा, इसलिए वार्म अप करना जरूरी है, जैसे हम लोग कर रहे अभी। ओह नो, ए भाई कर। हैंड स्प्रिंग करने से पहले आपको दो चीज आना चाहिए, पहला किकअप और दूसरा हेड स्टैंड। अगर ये दोनों आपको नहीं पता तो एक बार डेमो देख लीजिए इसका। पहला किकअप, किकअप कुछ इस तरह होता है, और हेड स्टैंड। हैंड पे भी पावर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हैंड पे पावर रहेगा तभी आपको पूरा बॉडी वेट ले सकते हैं हैंड पे। इसका मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट, लाइक जेट कुछ इस तरह। बोलो। जैसे कि मैंने आपको अभी दो चीज बताया, एक किकअप और दूसरा हैंड स्टैंड। आपको इसी का प्रैक्टिस करना है, जैसे मैं बता रहा था प्रोग्रेस देख लीजिए। अगर आप पीछे लेते हैं हैंड को पूरा कंधा के बाद पीछे खींचते हैं दोबारा स्टेप में, तो आप आराम से पीछे पलट सकते हैं। थोड़ा डेमो देख लीजिए। जैसा कि आपने अभी देखा, ऊपर नीचे, इसी तरह आपको किकअप में ऊपर नीचे करते रहना है। एक बार आप हेड का बल खड़ा होंगे, या एक बार आप डायरेक्ट पलट सकते हैं, बैक हैंड स्प्रिंग आपका हो सकता है, कुछ इसी तरह होगा फर्स्ट टाइम आपका। देखिए, आपका भी कुछ इसी तरह होगा बैक हैंड स्प्रिंग में। अगर आपको पूरा बैक हैंड स्प्रिंग मारना तो आप थोड़ा सा, जब आप किकअप लेके इतना पे आते हैं ना, तो मतलब थोड़ा सा पीछे भी गया, कमर को ऊपर भी गया, मतलब ऊपर, तो आप आराम से बैक हैंड स्प्रिंग मार सकते हैं कुछ इस तरह। आप भी फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टेढ़ा ही जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा सीधा मारने की कोशिश कीजिए, आपसे हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा, मैं अभी हेड का बल पलटा था, इसलिए मैं बोला था कि आपको हैंड स्टैंड आना चाहिए, हेड स्टैंड, तभी आप अच्छे से पलट सकेगा। तो आप थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा और हाथ को पीछे भिगिए, और थोड़ा सा कमर को और ऊपर की ओर भिगिए, आप परफेक्ट बैक हैंड स्प्रिंग मार सकते हैं कुछ इस तरह। देखें, मैंने अभी थोड़ा सा रुका, उसके बाद हाथ और कमर को आगे भिगे, इसलिए मैं अच्छा से मार पाया। आप भी एक बार ट्राई कीजिए, आपसे भी हो जाएगा। थोड़ा सा डेमो और देख लीजिए, और हैंड पे पूरा फोर्स कीजिए जमीन पे, ज़्यादा जब आते हैं ना अपना पे, तो हाथ को पूरा टाइट रखिए, एकदम स्ट्रेट, एकदम टाइट, तब आप अच्छे से पलट पाइएगा। अब एक लास्ट डेमो देखिए, अब प्रैक्टिस रोज कीजिए, तो आपका भी बैक हैंड स्प्रिंग तुरंत ही कंप्लीट हो जाएगा एक दो वीक में, अगर आप रोज प्रैक्टिस करते। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, एक चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, ठप्पा ठप ठोकिए, भाई का चैनल को ऊपर तक पहुंचाइए। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।